बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियोग्राफिक ग्रिड्स, तो ग्रिड एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस यूज टू प्रिवेंट स्कैटर रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग एन एक्सरे फिल्म ड्यूरिंग एन एक्सपोजर एंड कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ नैरो लेड स्ट्रिप्स इन्वेंटेड बाई डॉक्टर गोस्तेव बक्की इन 1913। ग्रिड एक ऐसी डिवाइस है जो कि लो एनर्जी एक्सरेज को फिल्म में पहुँचने से रोकती है ताकि वो वहाँ पर जाके नॉइस क्रिएट ना करें, तो इमेज कंट्रास्ट को बेहतर करती है। लो एनर्जी एक्सरे को ख़त्म करना और हाई एनर्जी एक्सरे को फिल्म तक पहुँचाना, इसको कहते हैं बीम हार्डनिंग। बीम हार्ड हो गई है, ये एक इमेज दिया गया है और तीर के निशान से ये ग्रिड दिखाई गई है। स्कैटर एक्सरेज दैट रीच द इमेज रिसेप्टर आर पार्ट ऑफ द इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस। स्कैटर एक्सरे ऑफकोर्स इमेज फॉर्मिंग प्रोसेस का हिस्सा है। इनडीड द एक्सरे दैट आर स्कैटर्ड फॉरवर्ड डू कंट्रीब्यूट द इमेज, थोड़ा बहुत इमेज बनाने में हिस्सा भी लेते हैं वो। एन एक्सट्रीमली इफेक्टिव डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ स्कैटर रेडिएशन दैट रीचेज द इमेज रिसेप्टर इज द रेडियोग्राफिक ग्रिड दैट इज केयरफुली फैब्रिकेटेड सेक्शन ऑफ रेडियो पेक मटेरियल। रेडियो पेक मटेरियल की बनी होती है, ज़्यादातर लेड होता है इस्तेमाल। ग्रिड स्ट्रिप्स कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग विद रेडियो लूसेंट मटेरियल प्लास्टिक का या फाइबर वगैरह का बना हुआ होता है इंटरस्पेस मटेरियल। यानी कि जो ग्रिड है वो क्रिस क्रॉस की शक्ल में या पैरेलल की शक्ल में मुख्तलिफ किस्में होती हैं, लेड मटेरियल की बनी होती हैं और दरमियान में हल्का सा प्लास्टिक डाला होता है ताकि उनको एक मखसूस फासले पर रखा जा सके स्ट्रिप्स को। द ग्रिड इज पोजिशन बिटवीन द पेशेंट एंड द इमेज रिसेप्टर, पेशेंट और कैसेट के दरमियान में रखी जाती है। द ग्रिड इज डिज़ाइन टू ट्रांसमिट ओनली एक्सरेज हूज डायरेक्शन इज ऑन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब टारगेट टू द इमेज रिसेप्टर, जो कि इधर उधर भटक रहे होते हैं, जिनकी पोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है उनको फिर ये रोक लेती है, जो सीधे जा रहे होते हैं सिर्फ प्राइमरी एक्सरे बीम होती है उसको आगे जाने देती है। स्कैटर रेडिएशन इज अब्जॉर्ब इन द ग्रिड मटेरियल, जो कि लेड होता है अक्सर। एक्सरे दैट एग्जिट द पेशेंट एंड स्ट्राइक द रेडियो पेक ग्रिड स्ट्रिप्स आर अब्जॉर्ब एंड डू नॉट रीच द इमेज रिसेप्टर, इस तरह इमेज का कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस ए टिपिकल ग्रिड में हैव ग्रिड स्ट्रिप्स 50 माइक्रोमीटर वाइड एंड दैट आर सेपरेटेड बाई इंटरस्पेस मटेरियल 350 माइक्रोमीटर वाइड। कंसिक्वेंटली इवन 12.5% ऑफ एक्सरे ट्रांसमिटेड थ्रू द पेशेंट आर अब्जॉर्ब, ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं और इमेज का हिस्सा नहीं बनते। प्राइमरी बीम एक्सरे इंसिडेंट ऑन द इंटरस्पेस मटेरियल आर ट्रांसमिटेड टू द इमेज रिसेप्टर, जो कि इंटरस्पेस मटेरियल से गुजर के जाती हैं, फाइबर की या ग्रिड की बनी होती है उसकी, सॉरी प्लास्टिक की, वो जाके इमेज बनाती हैं। स्कैटर एक्सरे इंसिडेंट ऑन द इंटरस्पेस मटेरियल में और मे नॉट भी अब्जॉर्ब हो भी सकती हैं, जो बहुत कम एनर्जी वाली होगी वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और जिसकी एनर्जी थोड़ी बहुत हाई होगी वो जाके कैसेट से टकराएगी, फिर वो इंडेंसमेंट स्क्रीन से टकरा के लाइट प्रोड्यूस करेगी और वो एक्सरे को इमेज उसको कैसेट को फिल्म को एक्सपोज कर देगी। डिपेंडिंग ऑन देयर एंगल और ऑफ इंसिडेंस एंड द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रिड, इफ द एंगल ऑफ स्कैटर एक्सरे इज ग्रेट इनफ टू कॉज इट टू इंटरेक्ट इन लेड ग्रिड स्ट्रिप इट विल बी अब्जॉर्ब, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो अब्जॉर्ब हो जाएगी, कम एंगल होगा बिल्कुल स्ट्रेट होगी पैरेलल होगी तो फिर वो क्रॉस करके फिल्म तक पहुँच जाएगी। इफ द एंगल इज स्लाइट द स्कैटर एक्सरे विल बी ट्रांसमिटेड सिमिलरली टू ए प्राइमरी एक्सरे, और वो जाके इमेज नॉइस क्रिएट करेगी। अगर कम एनर्जी वाली एक्सरे बीम वहाँ पे कैसेट को पहुँच गई तो हाई क्वालिटी ग्रेड कैन अटेनुएट 80-90% ऑफ द स्कैटर रेडिएशन 80-90% कर सकती हैं। सच ग्रेड सेट टू एग्जिबिट गुड क्लीनअप, क्लीनअप मतलब लो एनर्जी एक्सरे को क्लीन कर देना। ग्रिड रेशियो, ए ग्रिड हैज थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशन, थिकनेस ऑफ द ग्रिड स्ट्रिप्स कि कितनी मोटी है लेड स्ट्रिप है, द विड्थ ऑफ द इंटरस्पेस मटेरियल के दरमियान में जगह कितनी खाली है, एंड द हाइट ऑफ द ग्रिड की ग्रिड की हाइट कितनी है, थिकन कितनी है, हाइट कितनी है और दरमियान में स्पेस कितनी है। द ग्रिड रेशियो इज द हाइट ऑफ ग्रिड डिवाइडेड बाई इंटरस्पेस विड्थ, हाइट को विड्थ से डिवाइड करेंगे तो वो फिर रेशियो आ जाएगी। इन जनरल ग्रिड रेशियो फ्रॉम 5:1 to 16:1, मतलब उसकी हाइट 5 होगी तो उसकी दरमियान में फासला 1 होगा सेंटीमीटर या सॉरी माइक्रोमीटर। हाई रेशियो ग्रेड आर मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन देन अ लो रेशियो ग्रेड, क्योंकि उनमें स्ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा होंगी। मिसाल के तौर पर अगर हाई रेशियो जिस तरह 16:1 वाली है तो इसमें 16 स्ट्रिप होंगी एक माइक्रोमीटर के अंदर, ये जितना फासला यूनिट दिया हुआ होगा। एंड इंक्रीज पेशेंट डोज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लो एनर्जी एक्सरे पहले ही कम है, फिर वो ज़्यादा कम हो जाएगी ग्रेड की वजह से, तो हमें KV MS वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे ताकि इमेज कुछ ना कुछ तो अच्छा है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी अच्छी हो जाए। इन जनरल ग्रेड रेशियो फ्रॉम 5:16 ये पहले बता चुका हूँ। हायर रेशियो ग्रेड आर यूज मोस्ट ऑफन इन हाई KVP रेडियोग्राफी,
अब जो हाई रेशियो ग्रिड है उसके लिए चाहिए ही हमें हाई केवी, कम केवी यूज़ करेंगे तो वो इमेज बनेगा ही नहीं। एंड 8:1 to 10:1 ग्रिड इज फ्रीक्वेंटली यूज विद जनरल पर्पज एक्सरे इमेजिंग सिस्टम, नॉर्मल कन्वेंशनल जो यूज़ करते हैं। वेयर एज 5:1 ग्रिड रिड्यूस इज अप्रॉक्सीमेटली 85% ऑफ स्कैटर रेडिएशन, 16:1 में रिड्यूस एज मच एज 97%। जितनी ज़्यादा रेशियो बढ़ती जाएगी क्लीन अप उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, इमेज कंट्रास्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा और पेशेंट की डोज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये ग्रेड रेशियो को डिफाइन करने के लिए यह इमेज बहुत हेल्पफुल है। इसमें देखें ज़्यादा स्ट्रिप्स हैं, फासला कम है, तो ये ग्रेड हाई ग्रेड है। इसमें फासला ज़्यादा है और उसकी विड्थ कम है, तो ये लो रेशियो ग्रेड है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ग्रिड स्ट्रिप्स पर cm इज कॉल्ड ग्रिड फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा लाइनें होंगी, जितने ज़्यादा इंटरस्पेस मटेरियल होगा, नहीं सॉरी, जो ग्रिड का जो मटेरियल होगा स्ट्रिप्स का, वो उसको ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ग्रिड विद हाई फ्रीक्वेंसी शो लेस डिस्टिंक्ट ग्रिड लाइंस ऑन रेडियोग्राफिक इमेज दैन ग्रिड विद लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी ग्रिड होंगी तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम होगी, हाइट कम होगी तो उसका इमेज पे इफेक्ट कम पड़ेगा। लो एनर्जी होगी, सॉरी ये लो रेशो ग्रेड होगी, उसका इमेज पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और वो लाइन शो होती हैं कभी कभार आर्टिफैक्ट की सूरत में। इफ ग्रेड स्ट्रिप विड्थ इज हेड कॉन्स्टेंट, द हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ग्रेड द थिनर इज इट्स इंटरस्पेस मस्ट बी एंड हायर द रेशो। यही मैं पहले बता चुका हूँ कि उसकी फिर हाइट कम करनी पड़ेगी। As grid frequency increases, relatively more grid strips is available to absorb X-ray. Therefore, the patient radiation dose is high because higher radiographic technique is required. अगर radiographic technique यानी KV X-ray हम कम कर देंगे तो फिर image आएगा ही नहीं। पहले ही low energy हैं, जो X-ray beam है उसको भी वो जो high ratio grid है वो भी absorb कर लेगी, फिर पीछे बचेगा क्या, image तो बनेगा ही नहीं। The disadvantage of the increased patient radiation dose associated with high frequency grid can be overcome by reducing the width of the grid strips. तो उसकी width कम कर दें, but this effectively reduces the grid ratio and therefore absorption of scattered radiation. Efficacy कम हो जाएगी, फिर contrast कम हो जाएगा, तो जो grid का basic function है contrast efficacy वो कम हो जाएगा, फिर फायदा नहीं है। Most grids have frequency in the range of 25 to 45 lines per centimeter. और दरमियान में इंटरस्पेस मटेरियल भी होता है। स्पेशली डिजाइन ग्रिड आर यूज्ड फॉर मेमोग्राफी, यूजली 4:1 to 5:1 रेशियो ग्रिड इज यूज्ड। दिस लो रेशियो ग्रिड हैव ग्रिड फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्सिमेटली 80 लाइन पर cm। जितनी ज़्यादा रेशियो बढ़ती जाएगी लाइंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इंटरस्पेस मटेरियल, द पर्पज ऑफ इंटरस्पेस मटेरियल इज टू मेंटेन अ प्रिसाइज सेपरेशन बिटवीन द डेलिकेट लेड स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रिड। जो ग्रिड की लेड स्ट्रिप्स हैं उनके दरमियान मखसूस फासला कायम रखना, ये इंटरस्पेस मटेरियल की वजह से होता है। अगर ये मटेरियल नहीं डालेंगे तो वो ग्रिड आपस में कलेप्स भी कर सकती है। इंटरस्पेस मटेरियल ऑफ मोस्ट ग्रिड कंसिस्ट ऑफ एलुमिनियम और प्लास्टिक फाइबर। एलुमिनियम हैज़ हायर एटॉमिक नंबर दैन प्लास्टिक एंड देयरफॉर मे प्रोवाइड सम सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ स्कैटर एक्सरे नॉट अब्सॉर्ब्ड इन द ग्रिड स्ट्रिप्स। ये जो स्ट्रिप्स में लो एनर्जी एक्सरे अब्सॉर्ब नहीं होगी, गुजर जाती हैं कुछ कुछ, उनको एलुमिनियम भी अब्सॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन मसला वही है फिर पेशेंट डोज बनानी पड़ेगी। एलुमिनियम ऑल्सो हैज़ एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग लेस विजिबल ग्रिड लाइन ऑन द रेडियोग्राफ। प्लास्टिक कुछ ना कुछ लाइन ही देता है, एलुमिनियम की कोई लाइन ग्रिड इमेज के ऊपर नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड यूज ऑफ एलुमिनियम एज इंटरस्पेस मटेरियल इंक्रीजेज द अब्सॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी एक्सरेज इन द इंटरस्पेस, स्पेशली एट लो केवीपी, फिर पेशेंट डोज में बढ़ानी पड़ेगी। द रिजल्ट इज हायर पेशेंट डोज अबव 100 केवीपी, दिस प्रॉपर्टी इज अनइम्पॉर्टेंट, क्योंकि 100 केवीपी पे फिर बहुत ही कम एल्यूमिनियम एक्सरे अब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट एट लो केवीपी द पेशेंट डोज मे बी इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 20%, इतनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। फॉर दिस रीजन फाइबर इंटरस्पेस ग्रेड यूजली आर प्रेफर टू एल्यूमिनियम इंटरस्पेस मीटर, कि फाइबर यूज़ करते हैं खैर है, उसकी ग्रिड का इमेज थोड़ा आ सकता है, उसमें लो एनर्जी कुछ ना कुछ पास भी कर सकती हैं, लेकिन फिर पेशेंट की डोज हमें नहीं बढ़ानी पड़ेगी। उसका नस्बत अगर देखें तो फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है बनस्बत एल्युमिनियम के। स्टिल एल्युमिनियम हैज़ टू एडिशनल एडवांटेज ओवर फाइबर, इट इज़ नॉन हाइग्रोस्कोपिक, नमी कम है इसमें, फाइबर कुछ ना कुछ नमी पकड़ सकता है, नमी आएगी तो फिर इमेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। फाइबर इंटरस्पेस ग्रेड्स कैन बी बिकम वार्म्ड इफ दे अब्सॉर्ब मॉइस्चर, वो कलेप्स कर सकती हैं। आल्सो एल्युमिनियम इंटरस्पेस ग्रेड ऑफ हाई क्वालिटी आर इजियर टू मैन्युफैक्चर बिकॉज एल्युमिनियम इज इजियर टू फॉर्म एंड रोल इनटू शीट्स ऑफ प्रिसाइज थिकनेस। प्लास्टिक के मामले में ये मामला काफ़ी मशहूर है, बनाने में मसला है और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक है फाइबर।
grid strip. Theoretically, the grid strip should be infinitely thin and should have high absorption properties. Absorption properties तो वैसे भी high होती हैं. Lead ऐसा आ जा रहा है. Lead is most widely used because it is easy to shape and relatively inexpensive. सस्ता भी है, उसको shape भी आराम से किया जा सकता है. Its high atomic number 82 है and high mass density make lead the material of choice in the manufacture of grid. Normally जो apron वगैरह पहनते हैं उनमें भी यही होते हैं. तो इसकी absorption properties बहुत अच्छी हैं. Tungsten, platinum, gold, uranium all have been tried but none of these desirable characteristics of lead से कम ही हैं इनकी characteristics जो हमें चाहिए. Grid performance. Perhaps the large single factor responsible for poor radiographic image quality is scatter radiation. Scatter image को बहुत ख़राब कर देती हैं, noise produce करती हैं. The principal function of a grid is to improve image contrast. Simple मैं पहले बता चुका हूँ. Contrast improvement factor. Contrast improvement factor of 1 indicates no improvement. 1 है तो no improvement. जैसा image आ रहा है grid के बगैर वैसा ही grid के साथ आएगा. Most grid have contrast improvement factor between 1.5 and 2.5. In other words, the image contrast is approximately double when grid are used. 1.5 होगा तो 1.5 गुना, 2 होगा तो 2 गुना, 2.5 होगा तो 2.5 गुना. The contrast improvement factor usually is measured at 100 kVp. एक standard है, but it should be realized that K is complex function of the X-ray emission spectrum, patient thickness and the tissue related. K जो उसका constant है, मुख्तलिफ हैं एक्स रे की एमिशन स्पेक्ट्रम कितना है, इनके ब्रेम स्टॉलन कितनी आ रही हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कितनी आ रही हैं. मेमो में साफ ज़रा फिर मोलिब्डेनम यूज़ होता है नॉर्मल कन्वेंशनल में, टंगस्टन यूज़ होता है तो उनका स्पेक्ट्रम मुख्तलिफ होता है. पेशेंट थिकनेस, पेशेंट कोई मोटा पतला आ सकता है. एंड द टिशू रिलेटेड, अगर एब्डोमेन का होगा तो साफ ज़रा टिशू काफ़ी ज़्यादा है और अगर हैंड का होगा तो टिशू काफ़ी कम है. तो ये सब कुछ के ऊपर, के इन सब के ऊपर डिपेंड करता है जो कॉन्स्टेंट है. बाकी फैक्टर, although the use of grid improve contrast at the cost of patient radiation dose. Patient dose बढ़ती है लेकिन contrast फिर बढ़ जाता है. The quantity of image forming X-rays transmitted through a grid is much less than that of image forming X-ray incident on the grid. Therefore, when a grid is used, the radiographic technique must be increased to produce the same image receptor signal. कि अगर हम बगैर grid के X-ray करेंगे और grid के साथ X-ray करेंगे तो grid के साथ वाले X-ray में हमें पेशेंट डोज बढ़ानी पड़ेगी, हमें टेक्निक्स के भी एम एस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि लो एनर्जी एक्सरे ग्रिड में अब्जॉर्ब हो जाएंगे. अगर हम नहीं रखेंगे ग्रिड लो एनर्जी एक्सरे, मतलब हमें पेशेंट की डोज को लो करना हमारा मकसद है, तो फिर इमेज का कंट्रास्ट हमें कुर्बान करना पड़ेगा. द अमाउंट ऑफ दिस इंक्रीज इज गिवन बाई द बक्की फैक्टर, ऑल्सो फॉर द ग्रिड फैक्टर. बक्की फैक्टर मेजर हाउ मच ऑफ एन इंक्रीज इन टेक्निक विल बी रिक्वायर्ड कंपेयर विद नॉन ग्रिड एक्सपोजर. के एक्सपोजर के साथ और एक्सपोजर के बगैर कितना फ़र्क पड़ता है एक्सरे की जो एनर्जी है पेशेंट डोज है, इसको बक्की फैक्टर कहते हैं. द बक्की फैक्टर इज नेम्ड फॉर गॉस्टेव बक्की, जिसने 1913 में ग्रिड बनाई थी, द इन्वेंटर ऑफ द ग्रिड. इट इज एन अटेम्प्ट टू मेजर द पेनिट्रेशन ऑफ प्राइमरी एंड स्कैटर थ्रू द ग्रिड. साधारण फिर पेशेंट डोज को यही मेजर करता है. द हायर द ग्रिड रेशियो द हायर इज द बक्की फैक्टर. द पेनिट्रेशन ऑफ प्राइमरी रेडिएशन थ्रू ए ग्रिड इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रिड रेशियो. पेनिट्रेशन ऑफ स्कैटर रेडिएशन थ्रू ए ग्रिड बिकम लेस लाइकली विद इंक्रीजिंग ग्रिड रेशियो. ग्रिड रेशियो बढ़ाएंगे साधारण उसकी हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएगी तो फिर उसमें से जो लेस एंगल वाली होंगी वही पास करेंगी, ज़्यादा एंगल वाली बिल्कुल भी पास नहीं कर सकेंगी. देयरफॉर द बक्की फैक्टर इंक्रीजेस. द बक्की फैक्टर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग केवीपी. एट हाई वोल्टेज मोर स्कैटर इज प्रोड्यूस. स्कैटर ज़्यादा होंगी केवी ज़्यादा करेंगे, स्कैटर ज़्यादा होंगी तो फिर एंगल उनका इंसिडेंस ज़्यादा होगा, फिर वो ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएंगी, फिर पेशेंट डोज बढ़ानी पड़ेगी, फिर ऑफकोर्स बक्की फैक्टर भी बढ़ जाएगा. दिस स्कैटर रेडिएशन हैज़ अ मोर डिफिकल्ट टाइम पेनिट्रेटिंग द ग्रिड, दस द बक्की फैक्टर इंक्रीजेस. As the Bucky factor increases, patient radiation dose increases proportionately. The Bucky factor also indicate how large an increase in patient radiation dose will accompany the use of particular grid. Grid ratio जो 5:1 है, 8:1 है, 16:1 है, 10:1 है, ये कौन सी grid use करनी है यही Bucky factor में बताता है. हमारा अगला टॉपिक होगा grid की types. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने ग्रिड और ग्रिड की टाइप्स पढ़ ली हैं. आज हमारा टॉपिक है ग्रिड प्रॉब्लम्स. मोस्ट ग्रिड इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग आर ऑफ द मूविंग टाइप. मूविंग टाइप ज़्यादातर पैरेलल फोकस्ड वगैरह नहीं है. दे आर परमानेंटली माउंटेड इन द मूविंग मैकेनिज्म जस्ट बिलो द टेबल टॉप और जस्ट बिहाइंड द वर्टिकल चेस्ट बोर्ड. टेबल टॉप के नीचे कैसेट के पहले ये होती हैं. टू बी इफेक्टिव द ग्रिड मस्ट मूव फ्रॉम साइड टू साइड. ये दो तरह के मैकेनिज्म हमने रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग पढ़े हुए हैं दोनों.
If the grid is installed incorrectly and moves in the same direction as the grid strips, grid line will appear on the radiograph. For example, अगर ये grid strips हैं और ऐसे ऐसे अगर move करेंगी तो फिर lines आ जाएंगी. इनको ऐसे ऐसे reciprocating करना चाहिए moving. The most frequent error in the use of grid is improper positioning. For the grid to function correctly, it must be precisely positioned relative to the X-ray tube target and to the central ray of the X-ray beam. Central ray of the X-ray beam grid के center में ही होनी चाहिए. ये चार तरह के दिए हुए हैं error, grid problems. Off level है grid cut off across image, underexposed light image आ सकता है इसमें. Off center grid cut off across image की अगर central ray और grid का center आपस में match ना करें. Off focus grid cut off towards edge of the image. Upside down severe grid cut off towards the edge of the image. Off center grid cut off on one side of the image. ये अभी हम discuss करते हैं चारों के चारों पांचों. Off level grid. A properly functioning grid must lie in a plane perpendicular to the central of X-ray beam. ये grid पड़ी है ऐसे और X-ray beam ऊपर से आ रही है ऐसे, तो एक 90 angle बनाना चाहिए. मतलब grid को कोई angle नहीं देने चाहिए, लेकिन fluoroscopy में जो grid use होती है उनमें angulation वगैरह होती है, क्योंकि उसमें table top move करना होता है. टेबल साथ साथ मूव कर रही होती है. द सेंट्रल रे ऑफ एक्सरे बीम इज द एक्सरे दैट ट्रेवल अलॉन्ग द सेंटर ऑफ यूजफुल एक्सरे बीम. एन ऑफ लेवल ग्रेड इनफैक्ट इज यूजली प्रोड्यूस्ड विद एन इम्प्रॉपरली पोजिशन एक्सरे ट्यूब एंड नॉट एन इम्प्रॉपरली पोजिशन ग्रेड. एक्सरे ट्यूब को एंगल आ जाता है, अक्सर हम देते रहते हैं एंगल, ग्रेड की पोजिशन तो वही है, क्योंकि आम कन्वेंशनल में टेबल फिक्स होती है और चेस्ट बकी भी फिक्स ही होती है, वो आगे पीछे मूव नहीं करती, हाँ ऊपर नीचे मूव कर सकती है, तो इसलिए ग्रेड भी फिक्स ही होती है. हाउएवर दिस कैन अकर व्हेन द ग्रेड टिल्ट्स ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल बीम रेडियोग्राफी और ड्यूरिंग मोबाइल रेडियोग्राफी. मोबाइल रेडियोग्राफी में क्योंकि हम ट्यूब भी टेबल भी इधर उधर मूव करती है रिलेटिव टू एक्सरे ट्यूब, तो इस वजह से फिर वो आ सकते हैं. कन्वेंशनल में ये एरर नहीं आता. और ड्यूरिंग मोबाइल रेडियोग्राफी व्हेन द इमेज रिसेप्टर सिंक्स इनटू पेशेंट्स बेड के बीच, पेशेंट के बेड के अंदर घुसाना पड़ता है जब. इफ द सेंट्रल रे इज इंसिडेंट ऑन द ग्रिड एट एन एंगल दैट एन ऑल इंसिडेंट एक्सरे विल बी एंगल्ड एंड ग्रिड कट ऑफ विल अकर अक्रॉस द एंटायर रेडियोग्राफिक इमेज. कि अगर एंगल से टकराएंगे तो क्योंकि ग्रिड स्ट्रिप्स जो हैं लेड की बनी हुई है उसमें से एक्सरे की यूजफुल बीम भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, रिजल्टिंग इन ए लोअर ओडी और इंटेंसिटी एट द डिजिटल इमेज रिसेप्टर. फिर ओडी भी कम आएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, इमेज वाइट नहीं आएगी, मसले हो सकते हैं. ये देखें, ये सिंपल सीधी सीधी है और ये एंगल ग्रेड को दिया हुआ है, तो फिर ये सीवियर कट ऑफ आ रहे हैं. ऑफ सेंटर ग्रेड. ए ग्रेड कैन बी परपेंडिकुलर टू सेंट्रल एक्सरे ऑफ द एक्सरे बीम एंड स्टिल प्रोड्यूस ग्रेड कट ऑफ इफ इट इज शिफ्टेड लेटरली. थोड़ी सी इधर उधर हो जाए लेटरल साइड पे. दिस इज प्रॉब्लम विद फोकस्ड ग्रेड. The center of focus grid must be positioned directly under the X-ray tube target so the central X-ray of the X-ray beam passes through the centermost interspace of the grid. जो सेंटर वाली एक्सरेज हैं वो सेंटर से पास करेंगी, जो साइड वाली एक्सरे हैं वो साइड से पास करेंगी. अगर थोड़ा सा एंगल दिया जाए तो फिर वो कट ऑफ आ सकता है फोकस ग्रिड में. एनी लेटरल शिफ्ट रिजल्ट इन ग्रिड कट ऑफ अक्रॉस द एंटायर रेडियोग्राफ प्रोड्यूसिंग लोअर ओडी. इमेज वाइट आएगा क्योंकि ज़्यादातर एक्सरे अब्जॉर्ब हो जाएंगी, प्राइमरी बीम भी अब्जॉर्ब हो सकती है ज़्यादातर. दिस एरर इन पोजिशनिंग इज कॉल्ड रेडियल डिसेंटरिंग. डिसेंटरिंग है सेंटर से हट जाता है, इस वजह से लेटरल डिसेंटरिंग कहते हैं. एज विद एन ऑफ लेवल ग्रेड एंड ऑफ सेंटर ग्रेड इज मोर रिजल्ट ऑफ पोजिशनिंग ऑफ द एक्सरे ट्यूब दैन द ग्रेड. इन प्रैक्टिस इट मीन दैट द रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट केयरफुली लाइन अप द सेंटर ऑफ द लाइट लोकलाइज फील्ड विद द सेंटर ऑफ इमेज रिसेप्टर. कि कैसेट के बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए एक्सरे बीम. अब कैसेट के दरमियान में आएगी तो कैसेट होल्डर असेंबली जो है ग्रिड भी उसकी अकॉर्डिंग होती है, तो ग्रिड के भी सेंटर में आ जाएगी. ये समझाने के लिए इमेज है. ऑफ फोकस ग्रिड. ए मेजर प्रॉब्लम विद यूजिंग अ फोकस ग्रिड अराइजेज व्हेन रेडियोग्राफ्स आर टेकन एट एसआईडी अनस्पेसिफाइड फॉर दैट ग्रिड. कि हर एसआईडी डिफरेंट होता है हर ग्रेड के लिए. जिस तरह चेस्ट बकी में 180 सेंटीमीटर है या 6 फीट है, और जो नॉर्मल है कन्वेंशनल टेबल वाला है उसमें 100 सेंटीमीटर भी होना चाहिए, और जो मोबाइल रेडियोग्राफी है उसमें 90 सेंटीमीटर पे होना चाहिए. तो अगर हम एसआईडी कम ज़्यादा करेंगे तो फिर ग्रेड की भी उसी हिसाब से कट ऑफ आ सकता है. द फार्दर द ग्रेड इज़ फ्रॉम द अनस्पेसिफाइड फोकल डिस्टेंस द मोर सिवियर विल बी द ग्रेड कट ऑफ. क्योंकि एक्सरे फिर इधर उधर फैलेंगे ज़्यादा. अब 90 सेंटीमीटर वाली दी हुई है अगर ग्रेड, तो अगर हम उसको
100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर कर देंगे तो एक्सरे बीम लेटरली ज़्यादा फैल जाएगी, जब फैलेगी तो फिर ग्रेड कट ऑफ आ सकता है, जो सेंट्रल बीम है उसकी वो भी कमज़ोर हो जाएगी, ओडी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एसआईडी बढ़ जाएगा। ग्रेड कट ऑफ इज़ नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द इमेज रिसेप्टर बट इंस्टेड इज मोर सीवियर एट द एजेस। एज वाली बीम क्योंकि फैलेगी तो कमज़ोर होती है, सेंट्रल बीम ताकतवर होती है, तो एज की तरफ से इमेज कट जाएगा, सेंटर की तरफ से इमेज बनस्बत एज के काला होगा, यानी कि ओडी ज़्यादा होगी वो भी वाइट, नॉर्मल से वो भी वाइट ही होगी, लेकिन फिर भी सेंटर में एजेस की बनस्बत वाइट ब्लैकिश होगी, ओडी ज़्यादा होगी। दिस कंडीशन इज़ नॉट यूजुअली अ प्रॉब्लम इफ ऑल चेस्ट रेडियोग्राफ आर टेकन एट 180 सेंटीमीटर एंड ऑल टेबल टॉप रेडियोग्राफ आर 100 सेंटीमीटर एसआईडी और इस तरह मोबाइल 90 सेंटीमीटर। अगर इसे काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, 180 की बजाय 200 कर देंगे या 100 की बजाय 150 कर देंगे, तो फिर ये एज में से वाइट आएगा और सेंटर में से इमेज वो भी वाइट ही होगा लेकिन एज की बनस्बत ब्लैक ही होगा। पोजिशनिंग द रेडियोग्राफिक ग्रिड एट द प्रॉपर फोकल डिस्टेंस इज मोर इंपॉर्टेंट विद हाई रेशियो ग्रिड्स, ग्रेटर पोजिशनिंग लेटिट्यूड इज पॉसिबल विद लो रेशियो ग्रिड, यानी कि पोजिशनिंग थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं हम इसमें लो रेशियो ग्रिड में, जबकि हाई में हमें प्रॉपर पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। ये ऑफ फोकस ग्रेड दिखाई गई है, प्रॉपर पोजिशन उसके साथ दिखाई गई है। अपसाइड डाउन ग्रेड, द एक्सप्लेनेशन फॉर एन अपसाइड डाउन ग्रेड इज ऑब्वियस, इट नीड अकर ओनली वंस एंड इट विल बी नोटिस्ड इमीडिएटली, फौरन इसका पता लग जाता है। रेडियोग्राफिक इमेज टेकन विद एन अपसाइड डाउन फोकस ग्रेड शो सीवियर ग्रेड कट ऑफ ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंटर, एक साइड पे होगा इसमें कट ऑफ। कंबाइंड ऑफ सेंटर ऑफ फोकस ग्रेड पर हैव द मोस्ट कॉमन इमप्रॉपर ग्रेड पोजिशनिंग ऑकर्स इफ द ग्रेड इज बोथ ऑफ सेंटर एंड ऑफ फोकस, दोनों एक साथ अगर आ जाए तो। विदाउट प्रॉपर अटेंशन दिस कैन अकर ईजिली ड्यूरिंग मोबाइल रेडियोग्राफी, मैंने पहले बताया कि मोबाइल रेडियोग्राफी में सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ एन ईजिली रिकोगनाइज ग्रेड पोजिशनिंग आर्टिफैक्ट बिकॉज द रिजल्ट इज अन इवन एक्सपोजर, द रिजल्टेंट रेडियोग्राफ अपीयर डार्क ऑन वन साइड एंड लाइट ऑन द अदर साइड, एक साइड पे एक्सरे बीम ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी साइड पे कम हो जाएगी, तो एक साइड ब्लैक हो जाएगी, दूसरी साइड वाइट होगी। ग्रिड सिलेक्शन, मॉडर्न ग्रिड्स आर सफिशेंटली वेल मैन्युफैक्चर्ड दैट मैनी रेडियोलॉजिस्ट डू नॉट फाइंड द ग्रिड लाइन ऑन स्टेशनरी ग्रिड ऑब्जेक्शनेबल स्पेशली फॉर मोबाइल रेडियोग्राफी एंड हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ एन अपराइट पोजिशन। Moving grade mechanism, however, rarely fail and image degradation rarely occurs. Therefore, in most situations, it is inappropriate to design radiographic imaging around moving grids. When moving grid are used, parallel grid can be used, but focus grid are more common. मेरे ख्याल में ये टॉपिक छोड़ ही देना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Patient dose. One major disadvantage is increased patient dose. जब ग्रेड यूज़ होगी तो लो एनर्जी एक्सरे अब्जॉर्ब हो जाएंगी, इमेज रिसेप्टर तक एक्सरेज कम पहुंचेगी, प्राइमरी बीम भी कम पहुंचेगी थोड़ी बहुत, तो इस तरह पेशेंट डोज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हमें केवीएम में बढ़ाने पड़ेंगे। यूज़ ऑफ ए ग्रेड में रिजल्ट इन सेवरल टाइम मोर रेडिएशन टू द पेशेंट दैट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन ए ग्रेड इज़ नॉट यूज। द यूज़ ऑफ ए मूविंग ग्रेड इंस्टेड ऑफ ए स्टेशनरी ग्रेड विद सिमिलर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर अप्रॉक्सिमेटली 15% मोर पेशेंट रेडिएशन डोज। मूविंग ग्रेड के लिए हमें ज़्यादा देनी पड़ेंगी क्योंकि ग्रेड मूव कर रही हैं, उसकी स्ट्रिप्स भी मूव कर रही हैं, तो फिर प्राइमरी बीम को भी कुछ ना कुछ वो अब्जॉर्ब कर रही हैं, इसलिए हमें केवीएम में 15% बढ़ाने पड़ेंगे, केवी बढ़ाने पड़ते हैं ज़्यादातर। पेशेंट डोजेस फॉर वेरियस रेडियोग्राफिक टेक्निक ग्रेड टेक्निक विद अ 400 स्पीड इमेज रिसेप्टर टेबल दिया गया था, मैंने कट कर दिया। लो रेशियो ग्रेड आर यूज ड्यूरिंग मेमोग्राफी, ऑल डेडिकेटेड मेमोग्राफिक इमेजिंग सिस्टम आर रिक्वायर्ड इक्विप्ड विद अ 4:1 to 5:1 रेशियो मूविंग ग्रेड्स, लो एनर्जी लो रेशियो ग्रेड्स हैं। द यूज़ ऑफ सच ग्रेड ग्रेटली इंप्रूव इमेज कंट्रास्ट विद नो लॉस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्योंकि मेमो की सबसे इंपॉर्टेंट ही स्पेशल रेजोल्यूशन ही होती है। द ओनली डिसएडवांटेज इज द इंक्रीज इन पेशेंट डोज विच कैन बी एज मच ट्वाइस दैट विदाउट ए ग्रेड, हाउएवर विद डेडिकेटेड इक्विपमेंट एंड ग्रेड पेशेंट डोज स्टिल इज वेरी लो, लेकिन फिर भी डायरेक्ट एक्सपोजर से ये ज़्यादा ही है डोज। ग्रिड सिलेक्शन फैक्टर क्या है, पेशेंट रेडिएशन डोज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग ग्रिड रेशियो बढ़ाएंगे तो मखसूस फासले के अंदर स्ट्रिप्स ज़्यादा आएंगी, स्ट्रिप्स ज़्यादा आएंगी तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो केवीए बढ़ाने पड़ेंगे। हाई रेशियो ग्रिड आर यूज फॉर हाई केवी एग्जामिनेशन, सिंपल सी बात है, द पेशेंट डोज एट हाई केवी इज लेस दैन दैट एट लो केवी, ऑफकोर्स ये तो आम सी बात है। इन जनरल कंपेयर्ड विद द यूज़ ऑफ लो केवी
and low ratio grade, the use of KVP and high ratio grade result in lower patient radiation dose and equal image quality. पेशेंट अगर लो रेशियो ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, पेशेंट डोज थोड़ी सी बढ़ा दें तो इमेज हाई ग्रेड जैसा आ जाएगा, लेकिन मसला वही है ना, पेशेंट डोज बढ़ानी पड़ेगी. वन एडिशनल डिसएडवांटेज ऑफ द यूज़ ऑफ रेडियोग्राफिक ग्रेड इज़ द इंक्रीज रेडियोग्राफिक टेक्निक रिक्वायर्ड. आम सी बात है कि पेशेंट डोज है वही है. वैन ए ग्रेड इज़ यूज टेक्निक फैक्टर मस्ट बी इंक्रीज ओवर वट दे वर नॉट फॉर नॉन ग्रेड एग्जामिनेशन. द एम एस और के वी मस्ट बी इंक्रीज. यूजली द एम ए रैदर दैन के वी इज़ इंक्रीज. वन एक्सेप्शन टू दिस इज चेस्ट रेडियोग्राफी इन विच इंक्रीज एक्सपोजर टाइम कैन रिजल्ट इन मोशन ब्लर. के अगर चेस्ट में टाइम बढ़ाएंगे, एम ए एस में एस भी शामिल है, सेकेंड भी शामिल है, साथ वो एम ए बढ़ाएंगे, तो फिर ऑफकोर्स उसका इमेज ब्लर हो सकता है, पेशेंट थोड़ा बहुत हिल सकता है क्योंकि खड़ा होता है पेशेंट. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. हमारा पिछला टॉपिक था कि रेडियोग्राफिक ग्रेड्स क्या होती हैं. आज हमारा टॉपिक है ग्रेड्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं. पैरेलल ग्रेड्स, ऑल लेड ग्रेड स्ट्रिप्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. दिस टाइप ऑफ ग्रेड इज़ द ईजिएस्ट टू मैन्युफैक्चर बट इट रिजल्ट इन ग्रेड कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब यह है कि इमेज थोड़ा बहुत कट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वो अब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेते हैं जो लो एनर्जी एक्सरे. द अनडिजायरेबल अब्जॉर्प्शन ऑफ प्राइमरी एक्सरे बट बाई द ग्रेड. The attenuation of primary X-ray become greater as the X-ray approaches the edge of the image receptor. Edge की तरफ से ये ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है. The lead strips in a ये जो सबसे बड़ी कैसेट का साइज़ ये दिया हुआ है 35x43 cm grid are 43 cm long across the 35 cm dimension. The signal intensity reaches a maximum along the central line of the image receptor and decreases toward the side. ये सेंट्रल लाइन पे इमेज रिसेप्टर, ये देखिए काफ़ी लंबी और काफ़ी अच्छी एक्सरे प्राइमरी बीम आ रही है, लेकिन जैसे जैसे साइड पे जा रही है तो ये देखिए थोड़ा एंगल जब आता है तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है, एक्सरे की प्राइमरी बीम भी कट ऑफ हो जाती है. ग्रेड कट ऑफ कैन बी पार्शल और कंप्लीट. पार्शल थोड़ा बहुत होता है, अक्सर यही पार्शल ही होता है या पार्शल से भी थोड़ा कम ही होता है, बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी कंप्लीट भी हो सकता है अगर ग्रेड माल फंक्शन हो जाए, जिस तरह मूविंग ग्रेड्स में होता है. ग्रेड कट ऑफ कैन अकर विद एनी टाइप ऑफ ग्रेड इफ द ग्रेड इज इम्प्रॉपरली पोजिशन बट इट इज़ द मोस्ट कॉमन विद पैरेलल ग्रेड्स. सब ग्रेड में होता है लेकिन सबसे ज़्यादा ये पैरेलल ग्रेड में है, और पैरेलल ग्रेड्स काफ़ी अब अबंडन हो चुकी हैं, कम यूज़ होती हैं. दिस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल ग्रेड इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड व्हेन द ग्रेड इज यूज्ड एट अ शॉर्ट एसआईडी और विद लार्ज एरिया इमेज रिसेप्टर. कि इमेज रिसेप्टर बड़ा यूज़ करेंगे बड़ी कैसेट में, ये ज़्यादा होता है क्योंकि ग्रेड जितनी बड़ी होगी कट ऑफ भी उतना ही ज़्यादा होगा, एंगल उतना ही ज़्यादा होगा. ये एक इमेज दिया गया है समझाने के लिए. ये दूसरा इमेज दिया गया है ग्रेड रेशियो से उसका क्या ताल्लुक है. विद ए पैरेलल ग्रेड ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेस टुवर्ड द एजेस ऑफ द इमेज रिसेप्टर. एज की तरफ से क्यों, क्योंकि एक्सरे काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ हो जाते हैं, थोड़े एक्सरे पहुँच पाते हैं इमेज रिसेप्टर या कैसेट तक, तो ऑप्टिकल डेंसिटी या इमेज का जो ब्लैकनिंग होती है वो कम हो जाती है, जबकि सेंटर में ब्लैकनिंग काफ़ी अच्छी होती है. अब्जॉर्प्शन जो टिश्यू की होती है वही अब्जॉर्प्शन होती है, दूसरी अब्जॉर्प्शन ग्रेड की वजह से नहीं हो पाती. क्रॉस ग्रेड, पैरेलल ग्रेड्स क्लीन अप स्कैटर रेडिएशन इन ओनली वन डायरेक्शन अलोंग द एक्सेस ऑफ द ग्रेड, सिर्फ एक डायमेंशन में, जबकि क्रॉस ग्रेड हैं आर डिज़ाइन टू ओवरकम दिस डेफिशिएंसी, दोनों डायमेंशन में ये करती हैं. क्रॉस ग्रेड हैव लेड ग्रेड स्ट्रिप्स दैट रन पैरेलल टू द लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सेस ऑफ द ग्रेड. 35x43 में 35 की भी ग्रेड होगी और 43 की भी ग्रेड होगी. दे आर यूजली फैब्रिकेटेड बाई सैंडविचिंग टू पैरेलल ग्रेड्स टुगेदर विद देयर ग्रेड स्ट्रिप्स परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर. आपस में जो ग्रेड स्ट्रिप्स हैं पैरेलल ग्रेड की वो पैरेलल होंगी, जबकि जो दूसरी ग्रेड रखी जाएगी क्रिस क्रॉस में, एक ऐसे ग्रेड रखी जाएगी और दूसरी ऐसे रखी जाएगी, तो ये क्रॉस ग्रेड बन जाएगी. दे आर नॉट टू डिफिकल्ट टू मैनुफैक्चर एंड आर नॉट एक्सपेंसिव. हाउएवर दे हैव फाउंड रेस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन इन क्लिनिकल रेडियोलॉजी. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बक्की's ओरिजिनल ग्रेड वॉज क्रॉस ग्रेड, जो बक्की ने पहली बनाई थी, गस्टिव बक्की ने 1913 में, लेकिन अब इनका इस्तेमाल भी कम है. ज़्यादातर आजकल जो यूज़ हो रही है वो मूविंग ग्रेड्स यूज़ हो रही हैं. क्रॉस ग्रेड्स आर मच मोर एफिशिएंट देन पैरेलल ग्रेड इन क्लीनिंग अप स्कैटर रेडिएशन. इन फैक्ट ए क्रॉस ग्रेड हैज़ अ हायर कंट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर देन ए पैरेलल ग्रेड ऑफ ट्वाइस द ग्रेड रेशियो. ए 6:1 क्रॉस ग्रेड विद क्लीन अप मोर स्कैटर रेडिएशन देन ए 12:1 पैरेलल ग्रेड. पैरेलल ग्रेड दोहरी होगी तो भी इतना क्लीन अप नहीं करेगी जितना क्रॉस ग्रेड सिंगल कर लेगी.
दिस एडवांटेज ऑफ द क्रॉस ग्रेड इंक्रीजेज एज द ऑपरेटिंग केवीपी इज इंक्रीज. केवीपी इंक्रीज करेंगे, स्कैटर इंक्रीज होगी, क्लीन अप इंक्रीज होगा. ए क्रॉस ग्रेड आइडेंटिफाई एज हैविंग अ ग्रेड रेशियो ऑफ 6:1 इज कंस्ट्रक्टेड विद 2:6:1 पैरेलल ग्रेड. 1:6:1 पैरेलल ऐसे आ गई, 1:6:1 ऐसे आ गई परपेंडिकुलर उसके ऊपर. द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पैरेलल एंड क्रॉस ग्रेड इज ग्रेड कट ऑफ. दोनों में होता है, सब में होता है, लेकिन तो इन दोनों में ज़्यादा है, पैरेलल में सबसे ज़्यादा है. थ्री सीरियस डिसएडवांटेज आर एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ क्रॉस ग्रेड. पहला है पोजिशनिंग ऑफ द ग्रेड इज क्रिटिकल. पोजिशनिंग ठीक होगी, इमेज के सेंटर में ग्रेड का सेंटर भी आना चाहिए, कैसेट के सेंटर में. द सेंट्रल ले ऑफ द एक्सरे बीम मस्ट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द ग्रेड. सेकंड, द टिल टेबल टेक्निक आर पॉसिबल ओनली इफ द एक्सरे ट्यूब एंड द टेबल आर प्रॉपरली अलाइंड. टिल टेबल जो फ्लोरोस्कोपी में करते हैं, वहाँ पे अगर क्रॉस ग्रेड प्रॉपरली अलाइन नहीं होगी तो ग्रेड लाइंस आ सकती हैं, कट ऑफ भी ज़्यादा हो सकता है, इमेज नॉइस इवन ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल से भी जो ग्रेड के बगैर यूज़ करें. फाइनली द एक्सपोजर टेक्निक रिजल्ट इन हायर पेशेंट रेडिएशन डोज. पेशेंट रेडिएशन डोज तो ग्रेड का वैसे भी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, वो पहले ही मैं बता चुका हूँ ग्रेड वाले टॉपिक्स में. ये दो, ये पैरेलल ग्रेड है, ये पैरेलल ग्रेड है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रख दी जाए तो क्रॉस ग्रेड बन जाती है. फोकस ग्रेड, द फोकस ग्रेड इज डिजाइन टू मिनिमाइज ग्रेड कट ऑफ. द लेड ग्रेड स्ट्रिप्स ऑफ ए फोकस ग्रेड लाई ऑन द इमेजिनरी रेडियल लाइन ऑफ ए सर्कल सेंटर एट द फोकल स्पॉट सो दे कोइंसाइड विद डाइवर्जेंस ऑफ द एक्सरे बीम. कि एक्सरे बीम जितनी डाइवर्ज हो रही है, ये भी डाइवर्जिंग है. जिस तरह गैमा कैमरा में मैंने आपको बताया था, ये देखें इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये दरमियान वाली स्ट्रेट लाइन है, ये इसको थोड़ा सा एंगल दिया गया है ताकि बीम के एंगल के साथ उसका भी एंगल बन जाए तो और बीम अच्छी तरह गुजर सके. इस वाला एंगल थोड़ा बढ़ गया, जैसे जैसे सेंटर से हटते जाएंगे तो एंगल भी उतना बढ़ता जाएगा. द एक्सरे ट्यूब टारगेट शुड बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी सर्कल विद द फोकस ग्रेड इज यूज्ड. तमाम ग्रेड में इमेज सेंटर ही होगा. फोकस्ड ग्रेड्स आर मोस्ट डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर दैन पैरेलल ग्रेड, क्योंकि एंगुलेशन देखनी पड़ती है. बीम की एंगुलेशन तो हर पेशेंट के साथ मुख्तलिफ होती है, इस वजह से दे आर करेक्टराइज बाई ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेलल ग्रेड एक्सेप्ट दैट वन प्रॉपरली पोजिशन दे एग्जिबिट ए नो ग्रेड कट ऑफ. सेम टू सेम पैरेलल ग्रेड की तरह देखें, पैरेलल ग्रेड ही है दिखाई गई है, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस दिखाई गई है, एंगुलेशन दिखाई गई है, पैरेलल में एंगुलेशन नहीं होती ग्रेड स्ट्रिप्स की. They exhibit no grid drop. Radiologic technologists must take care when positioning focus grid because of their geometric limitations. Angulation की बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान से यूज़ करना चाहिए. Every focus grid is marked with its intended focal distance and the side of the grid that should face the X-ray tube. कि X-ray की जो beam आ रही है उससे grid बाहर नहीं जानी चाहिए और ना ही beam को बाहर जाना चाहिए, दोनों आपस में coincide करनी चाहिए. If radiographs are taken at distance other than those intended grid cutoff occur, जैसे कि टेबल टॉप के ऊपर जो भी है उनमें 100 सेंटीमीटर का फासला होता है, जो चेस्ट है बाकी उसका फासला होता है 180 सेंटीमीटर, इस तरह ये अगर फासला हम नहीं इसको मेंटेन करेंगे तो फिर ग्रेड कट ऑफ हो सकता है. पैरेलल ग्रिड्स और क्रॉस ग्रिड जो दोनों थी, वो दोनों की दोनों साकिन थी, स्टेशनरी ग्रिड्स थी, तो उसमें ग्रिड लाइन आ जाती थी अक्सर एक्सरे कैसेट में जो फिल्म है उसके अंदर इमेजिंग के बाद. तो उसका नतीजा फिर हमने अगला निकाला मूविंग ग्रिड्स की सूरत में. एन ऑब्वियस एंड अनोइंग शॉर्ट कमिंग ऑफ द ग्रिड प्रीवियसली डिस्कस इज दैट दे कैन प्रोड्यूस ग्रिड लाइन ऑन द इमेज. ग्रिड लाइन आर द इमेज मेड व्हेन प्राइमरी एक्सरे आर अब्जॉर्ब विद इन द ग्रिड स्ट्रिप्स. जो लेड है उसके अंदर जो अब्जॉर्ब हो जाती हैं फिर वो जाके इमेज के ऊपर स्ट्रिप्स लाइन बना देती हैं, क्योंकि लाइन की सूरत में होती हैं स्ट्रिप्स. इवन दो द ग्रिड स्ट्रिप्स आर वेरी स्मॉल देयर इमेज इज स्टिल ऑब्जर्वेबल. बहुत कम होती हैं लेकिन फिर भी नज़र आ जाती हैं, तो इमेज नॉइस में इजाफा हो सकता है. द प्रेजेंस ऑफ ग्रिड लाइन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड सिंपली बाई रेडियोग्राफिंग अ ग्रिड. ग्रिड को हम अगर इमेज करें तो ये लाइन्स हमें आसानी से नज़र आ सकती हैं. यूजुअली ए हाई फ्रिक्वेंसी ग्रिड प्रेजेंट लेस ऑब्वियस ग्रिड लाइन कंपेयर विद लो फ्रिक्वेंसी. हाई फ्रिक्वेंसी में ग्रिड लाइन ज़्यादा नज़र आएंगी और लो में कम, क्योंकि हाई में लाइन्स जो स्ट्रिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं. दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस हाउएवर बिकॉज द विजिबिलिटी ऑफ ग्रिड लाइन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विड्थ ऑफ द ग्रिड स्ट्रिप्स. के स्ट्रिप्स लेड वाले जो हैं जितनी ज़्यादा विड्थ उनकी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा उनकी
ग्रिड लाइन आने का खतरा ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है। लो फ्रीक्वेंसी ग्रिड, ए मेजर इम्प्रूवमेंट इन ग्रिड डेवलपमेंट अकर्ड इन 1920 पोर्टर हिट ऑन ए वेरी सिंपल आइडिया, मूव द ग्रिड व्हाइल द एक्सरे एक्सपोजर इज बीइंग मेड। उसने कहा कि ग्रिड को मूव कर दो जब एक्सरे एक्सपोजर मेड हो रहा हो, बन रहा हो, तो ग्रिड लाइन डिसअपियर हो जाएंगे। द ग्रिड लाइन डिसअपियर एट लिटिल कॉस्ट ऑफ इंक्रीज रेडियोग्राफिक टेक्निक, एक्सरे के भी हमें बनाएंगे तो लाइन ख़त्म हो जाएंगी। मूविंग ग्रिड में हमें एक्सरे टेक्निक के भी हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। ए डिवाइस दैट डज इट दिस इज कॉल्ड मूविंग ग्रिड और ए पोर्टर बक्की डायाफ्राम, नॉर्मल जबान में उसको हम बक्की कहते हैं, जिस तरह चेस्ट बक्की है या टेबल बक्की है। फोकस ग्रिड यूजुअली आर मूविंग ग्रिड, दे आर प्लेस्ड इन अ होल्डिंग मैकेनिज्म दैट बिगिन मूविंग जस्ट बिफोर एक्सरे एक्सपोजर एंड कंटिन्यू मूविंग आफ्टर द एक्सरे एक्सपोजर एंड। जब हम एक्सरे इमेज करते हैं तो इसकी हमें आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होती है, वो ग्रिड की ही होती है और एक्सरे ट्यूब में से भी आ रही है जो रोटर की आवाज़ होती है। टू बेसिक टाइप ऑफ मूविंग ग्रिड मैकेनिज्म आर इन यूज, रेसिप्रोकेटिंग एंड ऑसिलेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग है, ए रेसिप्रोकेटिंग ग्रिड इज अ मूविंग ग्रिड दैट इज मोटर ड्रिवन बैक एंड फोर्थ सेवरल टाइम ड्यूरिंग एक्सरे एक्सपोजर। मोटर ड्रिविंग है, या अप डाउन होगी या फिर ऐसे ऐसे होगी। द टोटल डिस्टेंस ऑफ ड्राइव इज अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के एरिए, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेंगी, 2 सेंटीमीटर के एरिए के अंदर अंदर। ऑसिलेटिंग है, एक दायरे के अंदर मूव करना। एन ऑसिलेटिंग ग्रिड इज पोजिशन विद इन अ फ्रेम विद 2 to 3 सेंटीमीटर टॉलरेंस ऑन ऑल साइड बिटवीन द फ्रेम एंड ग्रिड, कि एक दायरे के अंदर चारों तरफ मूव कर सकती है। डेलीकेट स्प्रिंग लाइक डिवाइसेज लोकेटेड इन द 4 कॉर्नर होल द ग्रिड सेंटर्ड विद इन द फ्रेम। ए पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द ग्रिड टू वन साइड एंड रिलीज इट एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपोजर, फिर दूसरे वाले मैग्नेट उसको खींच लेते हैं। देयर आफ्टर द ग्रिड ऑसिलेटिंग इन ए सर्कुलर फैशन अराउंड द ग्रिड फ्रेम कमिंग टू रेस्ट आफ्टर 20 to 30 सेकेंड। इमेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिली सेकेंड में आ जाता है, तो 20 से 30 सेकेंड तक ये मूव करती रहती है। डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग ग्रिड, मूविंग ग्रिड रिक्वायर्स अ बल्की मैकेनिज्म दैट इज सब्जेक्ट टू फेलियर, कि इसको काफ़ी बड़ा मैकेनिज्म चाहिए होता है, मैग्नेट फेल हो सकता है, स्प्रिंग फेल हो सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड द इमेज रिसेप्टर इंक्रीज विद मूविंग ग्रिड बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म, दरमियान में ग्रिड आ जाती है, उसके बल्की मैकेनिज्म स्प्रिंग कर आ जाते हैं, तो पेशेंट के और उसके दरमियान कैसेट के दरमियान फासला ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा इमेज ब्लर भी हो सकता है और इमेज मैग्निफिकेशन भी हो सकती है। मूविंग ग्रिड कैन इंट्रोड्यूस मोशन इन टू द कैसेट होल्डिंग डिवाइस विच कैन रिजल्ट इन एडिशनल इमेज ब्लर, कि कैसेट को भी थोड़ी बहुत ये मूविंग करा सकती है, तो इमेज ब्लर हो सकता है ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली द एडवांटेज ऑफ मूविंग ग्रिड फार आउटवेज द डिसएडवांटेज, एडवांटेज के काफ़ी ज़्यादा हैं, ग्रिड लाइन कम हो जाती हैं, इमेज का कंट्रास्ट अच्छा हो जाता है, तो ये छोटे छोटे डिसएडवांटेज अननोटिसेबल हैं। द मोशन ब्लर जनरेटेड बाई मूविंग ग्रिड दैट आर फंक्शनिंग प्रॉपरली इज अनडिटेक्टेबल, मोशन ब्लर काफ़ी कम होता है। मूविंग ग्रिड आर यूजली द टेक्निक ऑफ चॉइस एंड देयरफॉर आर यूज्ड वाइडली।